डायरेक्ट वेरिएशन। डियर स्टूडेंट, इस लेसन में हम डायरेक्ट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगे हैं। इसके हम पास्ट प्रिपेयर क्वेश्चंस भी करेंगे और इसके मेथड सीखेंगे कि कितने मेथड से डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के जरिए हम डायरेक्ट वेरिएशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या है। वेरिएशन मीन चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन मूव्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, और इस का जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर। तो इसके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई फ्यूल कॉस्ट होगी, उसका फ्यूल कंज्यूम होगा और उसकी कोई कॉस्ट होगी। इफ़ ही मूव्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी एंड डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, फॉर एग्जांपल इट इज़ 25 किलोमीटर, तो डेफिनेटली फ्यूल कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाएगी। जूँ जूँ हम डिस्टेंस इंक्रीज करते जाते हैं, फ्यूल कॉस्ट भी इंक्रीज करती जाएगी। अगर डिस्टेंस को हम डिक्रीज कर दें तो फ्यूल कॉस्ट भी डिक्रीज कर जाएगी। तो ऐसी चेंज जिसमें एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए, या एक क्वांटिटी को डिक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाए, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी इसको बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इनके क्वेश्चन हम दो तरीकों से सॉल्व करते हैं। दो मेथड है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, और ये डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। वैसे एक मेथड है हमारे पास रेशियो मेथड, और दूसरा मेथड हमारे पास इक्वेशन मेथड। लेट्स डिस्कस वन बाय वन दीज टू मेथड और अंडरस्टैंड करते हैं कि कब किस मेथड को हमने अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू क्वेश्चन हेयर। द क्वेश्चन नंबर वन, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ x। यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन गिवन है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और स्क्वेयर ऑफ x के वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। व्हेन x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 6। इन सेकेंड क्वेश्चन, लेट्स सी, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर रूट ऑफ x, given that y is equal to 12 and x is equal to 6, find the formula for y in terms of x. जब हमारे पास formula, equation, connection या relation हो तो उसको उस वक्त हम equation method use करेंगे। k method भी बोलते हैं जिसमें k is a constant, वो भी discuss करते हैं। अगर उसने इक्वेशन या फार्मूला या कनेक्शन बनाने या रिलेशन फाइंड करने के लिए नहीं कहा तो हम लोग रेशियो मेथड यूज करेंगे। हम इक्वेशन मेथड रेशियो मेथड के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगता है और वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो हम एक शॉर्ट मेथड यूज करते हैं कि रेशियो मेथड लगा लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपने रेशियो मेथड में, कि आपने हेडिंग्स लिखने हैं। y, यह है y का हेडिंग, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ x, x स्क्वेयर। डोंट फॉरगेट कि ये स्क्वेयर है, स्क्वेयर रूट है, क्यूब है, क्यूब रूट है, वट एवर द इंफॉर्मेशन कंडीशन इज गिवन वो आपने यहाँ पे लिखनी है। नो सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, इनकी वैल्यूज लगा लेते हैं। x की वैल्यू 10, तो हम 10 स्क्वेयर लिखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वेयर लिखे हैं। वाई इज 20, इसको 20 लिख लिया। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 6। अगेन कि आपने स्क्वेयर लगाना नहीं भूलना। अब जब आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, तो आपने हमेशा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो वाई टाइम्स ये 10 स्क्वेयर इज 100, इसको हम 100 लिख लेते हैं। ये पेपर वन के क्वेश्चंस हैं और आपने इसमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। प्रैक्टिस में भी आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। एंड
20 times 6 square is 36. Now y is equal to 20 times 36 divided by 100. अब इसको आप कैंसिलेशन करें, 2 ones 2 fives, so 36/5. अब आप इसको लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, आप इसको वैसे भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, 5 sevens are 35. सो योर फाइनल आंसर इज 7/5. दिस इज योर फाइनल आंसर. सो ये हमने क्वेश्चन रेशियो मेथड से किया. लेट डिस्कस दिस सेकेंड मेथड, इक्वेशन मेथड, रिलेशन, कनेक्शन, कुछ भी लॉ, कुछ भी पूछा जा सकता है इक्वेशन की जगह पे. जैसे कि इसने y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर रूट ऑफ x. तो आपने करना क्या है, आपने लिखना है, पार्ट ए करने लगा हूं जी, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर रूट ऑफ x. अब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है. इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हमने रिमूव करना है. तो जब हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करना है तो आपने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दे. तो हमने इसको रिप्लेस किया बाय कांस्टेंट और इक्वल साइन लगा दिया. नो जब आपके पास जो वैल्यूज गिवन है वाई की और एक्स की, विद द हेल्प ऑफ दीज टू वैल्यूज जो इसके अंदर आप लगाएंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपने के फाइंड करना है. सो वाई इज इक्वल टू 12 के टाइम्स एंड एक्स इज इक्वल टू 36. सो 12 इज इक्वल टू के टाइम्स, के रूट ऑफ 36 इज 6. सो 12 डिवाइडेड बाय 6 एंड के इज इक्वल टू 2. ये आपके पास के की वैल्यू आ गई. नो व्हाट यू नीड टू डू, अब आपने के की वैल्यू ये जो रिलेशन लिखा था इसमें लगानी है. सो वाई इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स. दिस इज योर फाइनल आंसर. ये जो 2 मार्क्स हैं वो आपने इसके लिखने हैं. नो पार्ट बी वेरी इजी, बहुत आसान है. आप ऑलरेडी रिलेशन पिछले पार्ट में फाइंड कर चुके हैं. अब इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए आप पार्ट बी को सॉल्व करेंगे. द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 10. तो y की वैल्यू आप 10 सब्स्टिट्यूट करें और x इज इक्वल, तो आपने 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x. सो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x. सो स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 5. नो यू नीड टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट. तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर ले लें. सो x स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल. सो x इज इक्वल टू 25. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. तो स्टूडेंट्स, जब भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन रीड कीजिए. जब वो आपसे फार्मूला, कनेक्शन, रिलेशन, लॉ के बारे में बात करे तो आप ये इक्वेशन मेथड यूज करें. अगर वो ऐसी बात नहीं करता तो आप ये सिंपल सा मेथड, रेशियो मेथड इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करें. रेशियो मेथड से हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं. आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर लें. Let's discuss one more question. The expenses $E for a tea party are directly proportional to the number of guests N present. For 30 guests, expenses are $210. Find the expenses of 80 guests. तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमने रेशियो मेथड यूज़ करने के इक्वेशन, इसमें इसने इक्वेशन नहीं पूछी तो हमें के वाला मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम रेशियो मेथड यूज़ कर लेते हैं. हम हेडिंग्स दे देते हैं डॉलर ई और गेस्ट एन. अब वैल्यूज इसकी लगा लीजिए. ई डॉलर्स, उसने कहा 30 गेस्ट का एक्सपेंसिस 210 है. सो 30 गेस्ट इज अ 210 एक्सपेंसिस. तो इफ फाइंड द एक्सपेंसेस, तो हम इधर एक्स लिख लें फॉर 80 गेस्ट. सिंस इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्वेश्चन,
we will do cross multiplication. So x times 30 is equal to 210 times 80. So x is equal to 210 times 80 divided by 30. Don't use calculator. प्रैक्टिस में भी आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना क्योंकि पेपर वन है और पेपर वन विदाउट कैलकुलेटर है. सो आपकी जो प्रैक्टिस है कैलकुलेशंस की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. सो डू कैंसिलेशन. कैंसिल 3 1s 3 7s 7 times 8 56 और ये आपके पास. सो ये आपके पास आंसर $560 इज योर फाइनल आंसर. लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन और चेक करते हैं कि ये रेशियो मेथड यूज होगा कि इक्वेशन मेथड यूज होगा. इफ वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. सो यहां पे आपने वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स किया जी. वी हैव वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. सो डायरेक्ट वेरिएशन. इफ वाई इज इक्वल टू 12 एंड एक्स इज इक्वल टू 4, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई. तो डेफिनेटली अब यहाँ पे हम इक्वेशन मेथड यूज करेंगे क्योंकि हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक्स और वाई को कनेक्ट करती है. सो हम लिखेंगे जी वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. सो हम के कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं. वाई इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स. अब हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है. प्लग इन द वैल्यू ऑफ वाई एंड एक्स. वाई इज इक्वल टू 12, के टाइम एक्स इज इक्वल टू 4. So k is equal to 12 divided by 4 and k is equal to 3. आपके पास k आ गया. Now you can write equation. Y is equal to k time x. तो आप k की value substitute करें. K की value 3 है और this is your answer. So y is equal to 3 times x. तो ये आपका a part solve हो गया. Now let's discuss b part. Find the value of y when x is equal to 5. In the previous part, you already have relation y is equal to 3 times x. So, ab isme aap x ki value ko substitute kar dijiye. So, x is equal to 5. So, y is equal to 15. This is your final answer. In the c part, you have to find x when y is equal to 2. Again, this use this equation. Y is equal to 3 times x. और आपके पास इसकी value y की value क्या है जी? Y की value 2 है. Is equal to 3. और आपने अब x को find करना है. So x is equal to 2 by 3. Cross multiplication करने से आपका ये answer. So you see. When equation is asked, the relation is asked to find, तो आपने equation method use करना है. और वो एक lengthy method है क्योंकि आपको पहले k find करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप बाकी unknowns को find करते हैं. लेकिन ratio method आपका direct method है, वहाँ पे आप directly questions को solve करते हैं. Let's discuss few more questions. Question. The volume of solid V, variable ध्यान से read करने, is directly proportional to cube of its radius. Be careful. Cube. और symbols V और R use किए गए हैं यहाँ पे. Given that volume is 905 cubic centimeter when its radius is 6 centimeter. Find an equation relating V and R. Equation method आ गया जी. So हम लिख सकते हैं V directly proportional to R cube. Again, so V is equal to K times R cube. हमने sign of proportionality remove किया और हमने K को introduce कर दिया constant of proportionality को. Now volume is 905 and radius is 6. With the help of this, हम R को find कर लेते हैं. तो volume is 905, K times, and what is R cube? And R is
6Q. Now next step, 905 is equal to k times cube of 6 is 216. ये आपको आना चाहिए. वैसे भी ये के पेपर 2 का क्वेश्चन है, P2 का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आप कैलकुलेटर को यूज भी कर सकते हैं. सो k इज इक्वल टू 205 डिवाइडेड बाय 216. इसको डेसिमल में भी फिलहाल कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको फ्रैक्शन में ही रखें. सो आपका जो फाइनल आंसर है, v इज इक्वल टू 905 ओवर 216 आर क्यूब. ये आपका आंसर है जी पार्ट ए का, कि आपने रिलेशन इक्वेशन को फाइंड कर लिया. नो फॉर नेक्स्ट पार्ट वी विल यूज दिस, कीप इन योर माइंड. इट्स वॉल्यूम, फाइंड इट्स वॉल्यूम, वी फाइंड करें व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 10. सो आपके पास रिलेशन है जी, वी इज इक्वल टू 905 ओवर 216 आर क्यूब. अब इसमें आप वैल्यूज को प्लग इन कर लीजिए. वी इज इक्वल टू 905 डिवाइडेड बाय 216 एंड आर इज 10 और 10 क्यूब. आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं. जब कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 4189.81. अब आपके पास चूंकि ये एक, इसको हमने एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे. तो 1, 2, 3, तो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर इज 8. सो इसका नेक्स्ट नंबर 9 है, तो हम 8 को राउंड अप कर देंगे 4190 क्यूबिक सेंटीमीटर. दिस इज योर फाइनल आंसर. लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन वाइज, बट वन थिंग इन योर माइंड, दिस इज अ लिटिल बिट अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, और इसको हमने थोड़ा ध्यान से करना और डिसाइड करना है किस मेथड से करें, हमारे लिए कौन सा मेथड आसान होगा. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग द एयर रेजिस्टेंस आर वेरीज एज स्क्वेयर ऑफ द स्पीड. तो यहाँ पे उसने डायरेक्ट वर्ड यूज नहीं किया, तो इसके लिए हम वेरीज एज द स्क्वेयर ऑफ स्पीड, तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का ही क्वेश्चन है, क्योंकि जो जो रेजिस्टेंस चेंज होती जाती है तो ये स्पीड बढ़ती जाती है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती जाती है. तो इन्वर्स में जो इसका दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है इन्वर्स वेरिएशन, तो उसमें वर्ड इन्वर्स वेरिएशन लिखा होता है और बाज़ कत आपको डिसाइड भी करना पड़ता है. यहाँ पे वेरीज एज वर्ड यूज हुआ है, तो इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. सो हम एयर रेजिस्टेंस के लिए आर का सिंबल यूज कर लेते हैं और स्पीड के लिए एस का सिंबल यूज कर लेते हैं. एट ए सर्टेन स्पीड द रेजिस्टेंस इज 30 न्यूटन. सो आर इज 30. व्हाट इज द रेजिस्टेंस आर फाइंड करे एट ट्वाइस दिस स्पीड. स्पीड 2 times हो जाए, दुगनी हो जाए, तो उस वक्त रेजिस्टेंस कितनी होगी. इसने यहां पे आपसे इक्वेशन नहीं पूछी, तो इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को करने का आसान तरीन तरीका रेशियो मेथड ही है. सबसे पहले आप तो सिंबल लिखें जो हमने यूज किए हैं. सो रेजिस्टेंस के लिए हमने आर यूज किया, स्पीड के लिए हमने एस यूज किया, लेकिन ये स्क्वेयर है तो यहाँ पे हम स्क्वेयर भी लगाएंगे. इसकी बहुत एहतियात करनी है, अक्सर बच्चे ये स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट, क्यूब, क्यूब रूट लगाना भूल जाते हैं और सारे के सारे मार्क्स आपके जीरो हो जाते हैं. तो केयरफुली रीड योर क्वेश्चन. नो प्लग इन वैल्यूज, कहता क्या है वो. एट सर्टेन स्पीड, स्पीड के बारे में उसने नहीं बताया कि क्या स्पीड है, तो हम इसको एस स्क्वेयर ही लिख देते हैं. द रेजिस्टेंस इज 30 न्यूटन, तो हमने यहाँ पे 30 न्यूटन रेजिस्टेंस के नीचे लिख दिया. व्हाट इज रेजिस्टेंस आर कैलकुलेट करें एट ट्वाइस दिस स्पीड. तो 2s स्पीड ट्वाइस हो गई एंड वी विल टेक द स्क्वेयर. सिंस इट इज डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो हम इसको लिखते हैं जी r times s square इज इक्वल टू 30 times 2s होल स्क्वेयर. नो सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, r times s square, so 30, square of 2 is 4, square of is s square, and solve it. So r is equal to 30 times 4 s square divided by s square. Simplify,
s square is cancelled by this, so r is equal to 30 times 4, so 120 newton. ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया. आई होप कि इन डिफरेंट विद दिस डिफरेंट एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट वेरिएशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे. क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, उनको हमने कैसे डिसाइड करना है और किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, वो आपको क्लियर हो चुके होंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर दिस लेसन. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इनवर्स वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे.